जैसा कि अभी आरंभ भाई ने बताया कि आज की जो ये विशेष बैठक जो है, ये लेक्चर एंड डेमोंस्ट्रेशन परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं होगी, परफॉर्मेंस भी सितार के मुतल्लिक कुछ बातें, कुछ मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस और जो बुज़ुर्गों से हमने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखा सुना वो चीज़ें शेयर करूँगा। और अभी एक बात, एक उन्होंने की चीज़ें इसमें ईजाद की, वो मैं मेरा ये मानना है हम कोई ईजाद नहीं करते, सिर्फ डिस्कवर करते हैं चीज़ें, सब मौजूद ही होती है। तो वो चीज़ उस आदमी के नाम के साथ जुड़ जाती है तो जिसने डिस्कवर की होती है, ये मेरा ज़ाती मानना है। और एक और चीज़ के जर्मनी से, और वो मैं ये कहता हूँ मेरे को दो कंट्री की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा कि, और ये मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वाकई ऐसा हुआ कि मुझे जब मैं 2014 और 2017 में इंडिया का मैंने ट्रिप किया था, 16 में ट्रिप किया था, तो वहाँ पर मुझे किसी बड़े सेलिब्रिटी ने नहीं कहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप यहाँ माइग्रेट कर लें क्योंकि म्यूज़िक की, क्लासिकल म्यूज़िक की जगह जो है ये इंडिया जो है स्पेशली कलकत्ता। तो वहाँ मैंने कहा कि आई लव इंडिया बट पाकिस्तान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा घर है, मुझे वहाँ काम करना है जितना भी मुझे आता है उस हिसाब। और एज ए म्यूजिशियन हम हर कंट्री से बिलोंग करते हैं। और फिर जर्मनी मेरी इस वक्त फ्रेंड रेजिडेंसी है, और मैं और खाली रेजिडेंसी नहीं, मेरा एक खूनी रिश्ता भी हो गया जर्मनी के साथ। मेरी औलाद जो है वो आधी जर्मन है, बल्कि उनका पूरी जर्मन है और पूरी पाकिस्तानी है, आधा आधा लफ्स मुझे पसंद नहीं। तो और वहाँ के कल्चर के साथ भी मेरा एक इंट्रैक्शन है म्यूजिशंस के साथ, और आज जर्मन कल्चर सेंटर से भी यहाँ हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही रिस्पेक्टेबल दोस्त नॉरेंजा की और हमारे बैठी है जो जर्मन कल्चर सेंटर से मछली, और आज इनका एक प्रोग्राम भी है इनके, हम मैं भी उसमें इंक्लूड, हमारा प्रोग्राम इस प्रोग्राम के बाद हम मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि हम हॉल नंबर 1 में 8 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, तो अगर आप लोग वहाँ हमारे जर्मन दोस्तों को सुनेंगे एक डिफरेंट म्यूजिक तो बड़ा आपको मज़ा आएगा। तो जैसे कि आज की जो बैठक है ये सितार के हवाले से, और फरहान भाई ने कहा कि कितने साल मेरे वो नंबर दें से 64 कि पहले 42 साल में बजाया, और ये मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये जो स्टेज है ये बड़ा मेरे लिए बड़ी अहमियत का अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्गों ने यहाँ परफॉर्म किया और यहाँ इस मौसीकी को, एक्चुअली फरहान भाई हम डॉक्टर गजाला जी हम अपनी अपनी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, ये इस काम को प्रमोट, इसको सपोर्ट, आर्टिस्ट को आर्ट और आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम इसको एज ए प्रैक्टिकल प्रैक्टिशनर इसको कर रहे हैं। तो हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी है हम दोनों पे कि हम इसको इज्जत और इस काम का जो मुकाम है उसको हम दे पाए सही तरीके से, और अपनी अपनी कोशिश हम कर रहे हैं मेहनत। तो आज का जो मौजू है वो सितार है, तो सितार की मैं जो शुरुआत हम करते हैं इसमें गुफ्तगू, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर भी होंगे, जब आपके जहन में दिल में कोई बात आए तो आप उससे कर सकते हैं, मैं उस पर बिल्कुल अपनी अकल और अपने इलम के मुताबिक जवाब दूँगा। और पारस साहब बैठे हैं हमारे, इसलिए जो एज ए थ्योरी में मैं समझता हूँ कि ये हमसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, तो जो भी मैं आज बयान करूँगा वो अपनी इनसे अपनी तस्दीक ही करवाऊँगा कि क्या ये मेरा ख्याल ठीक है,
और हो भी ये भी सकता है कि हम जरूरी नहीं है कि हमारे खिलाफ ना भी मिलते हो, हमारे इख्तलाफात भी हो सकते हैं, तो वो अपनी जगह पे, लेकिन एक अच्छे उसमें एक डिस्कशन, हेल्थी डिस्कशन जो है वो उसका मकसद यही होता है कि उसमें आप अपने बात को मुत्तफिक भी हो, उसमें इख्तलाफ़ राय भी हो, और उसमें फिर काम की मेन जो बात है वो सितार और मौसीकी की बेहतरी होनी चाहिए। तो इसमें ये मैं समझता हूँ कि मैं घराने वाला हूँ, जो मैंने बात कर दी है वो हाफ़ आखिर हो गई है, अगर उसमें गलती है तो मुझे उसमें अपनी दुरुस्त भी करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में एक खाली एक इल्म की बात नहीं है, ये पूरे इंसानियत एज ए इंसान होना, आप अगर आप उसको सारी उम्र सीखते हैं हर चीज़। तो सितार के बारे में जैसे आप मेरे ख्याल में मोस्टली आप लोग जहाँ इंफॉर्मेशन होगी कि इसकी दो रवायतें हैं हिस्ट्री के हवाले से, पर साहब आप इसको एक जो मैंने अपने उस्ताद अपने वालिद उस्ताद शरीफ खान साहब पंचवाले और बहुत सारे और उस्तादों से सुनी कि इस इंस्ट्रूमेंट को हज़रत अमीर खुसरो से मुंसलिक किया जाता है, ये उनकी इजाद है, तो उस हवाले से इसकी तारीख जो है वो 800 साल पुरानी होगी। और दूसरी एक थ्योरी ये है जो कि बहुत सारे स्कॉलर म्यूज़िक के जो रिसर्चर हैं, म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, वो इसको मुंसलिक करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में उस वक्त। ये हो जाएगी 400 साल पुरानी बात। नेमत खान सदारंग के एक रिश्तेदार भाई बुजुर्ग खुसरो खान, उनके साथ मुंसलिक किया जाता है कि ये उनकी इजाद थी, ये उन्होंने इसका नाम भी रखा, इजाद भी किया। और अगर हम इसकी पुरानी रवायत का फिर एक आप अपना भी एक जेन आदमी सोचते हैं ना, एक तो हम सुनी सुनाई बात पे, एक मेरी अपनी भी रिसर्च मैं देखता हूँ कि अगर आप इस सास को देखें तो ये मोस्टली वो वाले इंस्ट्रूमेंट जिनकी गर्दनें लंबी होती हैं, जिसमें सास, तबूर और तार, ये सारे सेंट्रल एशिया से जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये एरिया जो है, तो ये उस फैमिली से ताल्लुक है। लेकिन इसकी जो अमेजिश हुई है इसमें सरस्वती बीना, लुद्र बीना, क्योंकि हमारे इस खत्ते के जो बड़े सगीर पाको हिंद के जो इंस्ट्रूमेंट पुराने वक्तों में जो कहे जाते थे वो सारे बीना ही कराए जाते थे, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जितने थे वो सारे बीना। तो ये दो डिफरेंट थ्योरी है कि एक थ्योरी है कि 400 साल पुराना है, एक थ्योरी है 800 साल पुराना है। तो मैं ज़ाती तौर पे या मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि और उसमें क्योंकि जो एक रूहानी एलिमेंट भी आता है, क्योंकि ये सास है, उसमें एक और एलिमेंट के ये कवाली का जब रिवाज था, यानी कि जब ये शुरू हुई यहाँ पर, तो उसमें ऐसे संगत के तौर पर भी इस्तेमाल होता था, इसमें मन कबर और जिक्र और ये चीज़ों में संगत के लिए भी इस्तेमाल साज होता था। और फिर एक घराने को हम इग्नोर नहीं करेंगे, सैनिया घराना के जो उसमें उस फैमिली में लुद्रवीन का बजाने का रिवाज भी उनके खानदान में, तो वो उसकी एक जैसे कहते हैं कि उसको वो सुपीरियर समझते उनके, और वो अपनी इल्म जो है अपने खानदान में ज़्यादातर ने अपने ख़ानदान में रखते थे लुद्रवीना की जो बजा, तो वो अपने शागिर्दों को जो तालीम देते थे वो इन सितार की होगी, क्योंकि वो ये सब वो उस सिक्योरिटी जो है लुद्रवीना की। तो ये भी एक यानी कि सितार की एक छोटी छोटी मैं आपको बात कर रहा हूँ, बाकी अगर इसमें कुछ इजाफी बात है तो पारस साहब यहाँ हैं और इनसे भी मुस्तफ़ीद हो, मैं भी मुस्तफ़ीद होना चाहूँगा कि इस बात को अगर ये इसमें कुछ कमी है तो उसमें इजाफा करते हैं, और अगर इसमें कमी नहीं है तो दोनों मुत्तफ़िक़ हैं।
बेसिक सितार की हिस्ट्री है, और फिर इसके अंदर सितार जो अब आप सितार देख रहे हैं ये वो वाला सितार नहीं है जो आज से 100 साल पहले था या 200 साल पहले था। सितार स्पेशली सितार क्योंकि मेरा ये फील्ड है, तो इसलिए समझता हूँ पिछले 60-70 साल में इसमें जितनी डेवलपमेंट हुई है इंस्ट्रूमेंट में, कि पहले ये एक गत तोड़ने का सांस था, संगत का सांस था, तो वो आहिस्ता बुजुर्गों ने इसको इसमें काम किया, मेहनत की और इसको इस पे ले आए कि एक सोलो इंस्ट्रूमेंट की शक्ल में आज मौजूद है, और इसमें जो इसकी फिजिकली इसमें बहुत मॉडिफिकेशन हुई है। अब जैसे कि अब ये मॉडिफिकेशन की मैंने बात की, उसमें घरानों की अब बात आ जाती है कि हमारा जैसे अब तंतकारी में इस वक्त अगर हम मरवजा इस दौर की बात करें तो दो अंदाज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, एक तंतकारी और एक गायकी अंदाज, जो कि मेरे ख्याल में जो सितार की असलियत है वो तो तंतकारी की है, मिजराब का इस्तेमाल और गत तोड़ा और तैयारी की चीज़ें, क्योंकि ये अटंग इंस्ट्रूमेंट है। टंग का मतलब है स्ट्रेट नोट्स, यानी कि इसमें उस तरह से जैसे विंड इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें मीन होती है, बो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सरंगी वायलिन और इस तरह के बो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उनमें भी सस्टेन जैसे मीट के साथ वो लेते हैं। तो फिर इसमें घरानों का जैसे हमारा, मैं अपनी एक बात करूँ, हमारा घर वैसे मैं पूंछ घराना हम कहते हैं, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो इमदाद खान साहब से जाए, हमारे दादा वो इमदाद खान साहब जी की शादी थी, तो हमारा घराना वहाँ से उनसे जाके मिलने आता है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये पिछले 50 सालों में सितार की प्लेइंग में सितार की मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुई है, तो पिछले 50 सालों में इसमें गायकी अंग को बहुत ज़्यादा इसका क्या कहते हैं इसमें इन्फ्लुएंस लिया आर्टिस्टों ने, और जिसमें मैं कुछ नाम जो पुराने हमारे बुजुर्ग इसमें मेरे वालिद तो हैं उसमें जैसे बुलैद खान साहब जी, उनसे ये शुरू हुआ, वैसे तो इमदाद खान साहब जी से शुरू हो चुकी थी, और फिर इंडिविजुअल एक अपनी जाती एक करेक्टर, खानदान तो है जैसे एक खानदान के दो फर्द हैं, मेरी बेटियां जो हैं लेकिन दोनों का करेक्टर अलग है, तो खानदान वही है लेकिन एक अपनी इंडिविजुअलिटी से आप एक अपना एक स्टाइल बनाते हैं, तो जिसमें शरीफ खान साहब जी का एक अपना एक अंदाज बना, जैसे पुराने वक्तों में मसीद खानी रजा खानी, वो क्या वो एक अंदाज और वो एक किस तरह से लय और सुर का इस्तेमाल करता है, कि मसीद खानी में वो विलंबित की गत कैसे बजती थी और रजा खानी में दूरत को वो कैसे बजा करते थे, ये दोनों डिफरेंट, वो भी मैं थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेशन करके मैं बताऊंगा। वो ये इसमें साथ में तरक्की होती थी, जैसे कि पुराने वक्त में गंधार और पंचम का ब्राह्म का तार भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी अभी भी किया जाता है पुराने वक्तों में, नहीं जी हाँ, यानी कि एक जैसे अगर मैं एक मयूर घराना सैनिया घराना जैसे एक तो मेन जैसे हो गया सैनिया घराना, फिर अगर हम आसान उसमें बात कर लें जैसे आज इस पिछले 60-70 साल में ये जो अब अलाउद्दीन खान साहब जी का सरोद के हवाले से उनका, लेकिन उनसे तार भी बजाते थे उनके बड़े शागिर्द हुए पंडित रविशंकर जी, निखिल बैनर्जी और बड़े नाम उनके शागिर्दों में, ये एक मयूर घराने के नाम से